बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर रेसिपी। आई होप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से रमज़ान की तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो इसी के साथ मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल आलू के गोला कबाब। आप लोगों ने मटन, बीफ, चिकन के गोला कबाब तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ आलू के गोला कबाब के लिए। तो इसको आप लोगों ने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बहुत मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार होने वाली है। और हाँ, तो जो चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू के गोला कबाब बनाने की रेसिपी। ये मैंने 6 अदद आलू लिए हैं और उनको मैंने बॉयल करके ऊपर से छिलका उतार लिया। अब मैं इनको करूँगी कद्दूकश। तो मेरे पास यहाँ पर दो साइड है मोटे और बारीक, लेकिन मैं इसको मोटे वाली साइड से कद्दूकश कर लूँगी तमाम आलुओं को। तो यहाँ पे सारे आलू मैंने कद्दूकश कर लिए। अब मैं इनको रखूँगी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, ताकि इसके अंदर जितनी भी नमी है वो सारी ख़त्म हो जाए, मतलब वो नमी जो है वो सूख जाए, ख़त्म हो जाए। तो अब मैंने आलूओं को फ्रिज से निकाले, ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं। तो अब मैं इनके अंदर शामिल करूँगी मिसाले, जैसे कि हल्दी, यहाँ पर मेरे पास है क्रश किया हुआ कुछ धनिया, ये एक चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे। गर्म मसाला शामिल करेंगे इसमें, एक चाय का चम्मच हम इसमें मिर्च मसाला शामिल करेंगे, थोड़ी सी शामिल करेंगे लाल कश्मीरी मिर्च। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप लोगों ने इसको ज़रूर शामिल करना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल करेंगे जी। तो यहाँ पे हमने सारे स्पाइसेस तो शामिल कर दिए, अब बारी आ जाती है वेजिटेबल्स की, जिसमें क्या है, सब्ज़ धनिया है, हरी मिर्च है और साथ में टमाटर है। तो टमाटरों को भी मैंने छिलका उतार के बहुत ही अच्छे तरीके से बारीक बारीक करके काट लिया, अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे एक अदद प्याज है, प्याज को मैंने अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया और अब मैं इसका तमाम पानी जो है वो इस तरह कर से कि इसको निकाल लूँगी, मतलब प्याज को मैं बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ के वो भी शामिल करेंगे इस तरह से ना। इसके साथ ही इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 चुटकी रेड फूड कलर फैजीरा शामिल करेंगे इस तरीके से, हाथों की मदद से इसको क्रश करके, ये देखें। इसके साथ ही हम यहाँ पे इसके अंदर शामिल करेंगे 2 खाने का चम्मच मैदा। मैदा डालने से पहले आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको छान लेना है। इसके साथ ही हम इन तमाम मिक्सचर को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, मतलब हम इन तमाम चीज़ों को आलू में मिक्स करेंगे और इनका एक सॉफ्ट सी हम डो तैयार कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। देखें, वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो नए हैं वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़, मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। फ्रेंड, यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी सी डो जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसके बनाएंगे कबाब, गोला कबाब बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसके बनाने हैं गोला कबाब। तो उसके लिए सबसे पहले ऑयल की मदद से मैंने अपने हाथों को ग्रीस किया है और अब हम यहाँ से लेंगे मिक्सचर और इसकी हम बनाएंगे शेप। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे ली है सीख, आप लोगों के पास पेंसिल है तो आप लोग पेंसिल के साथ भी इसकी शेप दे सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये बन के तैयार होती है, सीख है तो उसके साथ दे लें, आप लोग स्पून के साथ भी इसकी शेप बना सकते हैं। तो आप देखें कि कितना अच्छे तरीके से ये आसानी से ये जो है इस कबाब जो है उसकी शेप बन रही है जी। फ्रेंड, तो आप देखें कि मैंने एक कबाब जो है वो बना के रेडी कर लिया है, देखें कितने अच्छे तरीके से ये बना है। तो इसको रख देंगे हम प्लेट में इसी तरह, बाकी जो है उनको भी कर लेंगे तैयार जी। फ्रेंड, तो सारे कबाब जो है उनको बना के मैंने कर लिया रेडी, तो अब करेंगे हम इनको फ्राई। अब हमने पैन लिया, पैन में मैंने ऑयल डाल लिया, ऑयल जो हमारा जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम एक एक करके अपने कबाब शामिल करें, एक एक करके मैं इसके अंदर कबाब को शामिल करूंगी। ऑयल आप लोगों ने ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अब करेंगे हम इनकी साइड चेंज, इसी तरह करके हमने इनको चारों साइडों से पका लेना है। आँच आप लोगों ने तेज बिल्कुल भी नहीं करनी, ताकि ये जल ना जाए। ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से कलर आया है जी। फ्रेंड, तो हमारे जो कबाब हैं ये चारों साइडों से बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी।
तो इनको मैंने निकाल लिया। अब इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हम निकाल लेंगे। तो उसके बाद इनको करेंगे हम प्लेट में शिफ्ट। आप लोगों को मेरे गोला कबाब बनाने की, आलू के गोला कबाब बनाने की रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। फ्रेंड तो ये देख सकते हैं आप इसकी फाइनल लुक, और देखें कि माशाल्लाह से कितने अच्छे से ये अंदर से भी कुक हो चुका है और बहुत ही मज़े के हैं। गोश्त के गोला कबाब लोग उनको ये पीछे छोड़ते हैं। तो इसी के साथ आपसे चाहते हैं इजाज़त, आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखेगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।